chicken. What's up, भाई बहनों, boys and girls, कैसे हो तुम लोग? Krishna versus Gopal, the round to begin. कृष्णा ने कल अपना एक गाना निकाला था जिसका नाम था अनटाइटल, जिसमें उन्होंने बड़ा रगड़ के बड़े प्रेम से जो था मुफार को डिस करा था। और मजे की बात यह कि 24 घंटे के अंदर ही मुफार ने उस डिस के रिप्लाई में अपना एक डिस सॉन्ग निकाल दिया जिसका नाम है बिच आई एम अ गॉड, और ब्रैकेट में लिखा मेड इन 10 आवर्स, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने 10 घंटे के अंदर ही ये गाना बना दिया। वाह वाह, मतलब इसको कहते हैं टैलेंट। और इस गाने के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, महाराजा ने उधेड़ दिया सुबह आ गई हेडलाइन, गुड मॉर्निंग मौज लो मैं चला सोने अब। वाह, मतलब बंदा ना सोया ना जागा और उसने एक डिस सॉन्ग बनाकर रिप्लाई में निकाल भी दिया। तो इसका मतलब ये जो मैंने कृष्णा के अनटाइटल्ड के रिएक्शन वीडियो में बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। मुफार तो नहीं छोड़ने वाला, वो भी पक्का कोई ना कोई गाना बहुत ही जल्दी आज से काम स्टार्ट कर देगा। ये गाना सुनते ही आई एम श्योर की मुफार की जो रगे है ना उनमें खून की जगह मोमो सॉस दौड़ने लगी होगी और वो गुस्सा होके बस आज से मतलब उसने अपना लिखना सब स्टार्ट कर दिया होगा। तो अब आएगा मजा। मुफार बहुत तगड़ा रैपर है, वो कहता सबकी लेकर है। देखो उसने अपनी तरफ से अपना भी तीर अब छोड़ दिया है कृष्णा के डिस के रिप्लाई में, और मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा सॉन्ग होने वाला है क्योंकि मुफार का हमें पोटेंशियल पता है। और ये जो ओवरऑल डिस है ना, ये चक्रव्यूह भी बहुत भयंकर चलने वाला है क्योंकि कृष्णा का पोटेंशियल हमको पता ही है, उतना सीधा मेक ओवर और दम है में क्या क्या करा था। और उसके बाद अब आ गया ये मुफार के साथ लड़ाई, मुफार ने हैप्पी दिवाला रावण में धूम मचाई थी। अब देखते हैं कि इन दोनों में कौन बेहतर बार डिलीवर करेगा। और इस सॉन्ग से रिलेटेड इन्फो देने के लिए मुफार सवेरे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि जैसे कृष्णा ने उनको जलपरी नाम दिया है, वैसे उन्होंने अपने गाने में भी कृष्णा को कुछ नाम दिया है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो उन्होंने रफ्तार के बारे में भी 2-3 लाइनें लिखी हैं। तो यानी कि कुछ तो मजा आने वाला है। बट रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको जरा बार अलर्ट वाले भोपू के बारे में फिर से बता दो। ये भोपू मैंने कल ही याद कराया, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने एक सायरन का साउंड डाला है, मतलब भोपू आहा, मतलब क्या सायरन का साउंड है। और ये सायरन का साउंड मैं तब बजाऊंगा जिस वक्त वो भी भयंकर लाइन आएगी गाने में। जी हाँ, जब भी कोई ऐसी तगड़ी बार आएगी जिसको जो डिजर्व करती है शाउट आउट, तो उसके ऊपर मैं भोपू बजाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो बेटा हेडफोन जरा सर पर प्रकट हो जाओ। हाँ, so 3, 2, 1, here we go. I'm really sorry यार फंका, इस बार भी मैंने WhatsApp वाली बीट जो तूने भेजी थी वो ही उठा के प्रोजेक्ट में डाल दी। मैं मिक्स मास्टर कर ही नहीं रहा इस बार ब्रो। नो मिक्स मास्टर, सब कुछ रॉ रखेंगे इस बार। अच्छा, ये फालतू में पैदा हो जाती है ना, वो खत्म करते हैं। Yeah, मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांद के आईने में देखो, जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट में, पैसा को लंड पे बोलू की झूठ में, जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका, नेम फेम में सब तेरी बहन की झूठ में। गाली मत दे, रिस्पेक्ट वुमन, तू गोरा चिट्टा लौंडा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, भोपू वाला हट। अरे बाप रे यार, थोड़ा बैक करके जरा फिर से एक बार देखते हैं, फिर से सुनना मांगता भैया ये, फिर से। महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांद के आईने में देखो, जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट में, पैसा को लंड पे बोलू की झूठ में, जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका, नेम फेम में सब तेरी बहन की झूठ में। ओए ओए गाली मत दे, रिस्पेक्ट वुमन, तू गोरा चिट्टा लौंडा है, ये खेल गंदा कीचड़ से, तुझे जिसने सिखाया जाके कह दे अपने टीचर से के, सर जी उसके बाल पीले मेरे दांत पीले पीले, इतने ज्यादा हगू मुंह से या मैं चूतड़ से, पर तू मुंह से वाला नहीं है, दिल तो तू माड़ा पर तू घुसे वाला नहीं है, हाथ चला चादर में तू गुस्से वाला नहीं है, गुड़गांव से बस एक नाम 47 है, दूसरे वाला नहीं है। वो नशा हूं जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। मैं वो नशा हूं जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। नाम तो दे दूं पर फिलहाल ये सवाल, तूने सीखा क्या चिन्नाल, हिट होने में चिन्नाल को लगेंगे 12 साल। ओहो, 12 साल की है मेहनत का, 12 साल की है मेहनत का, वाइट लगा दिया यार, एक तो नाम दे दिया उसको।
और दूसरा 12,000 और लगेंगे हिट होने। अरे बाप रे, तब तक मैं हूँ जिंदा स्ट्रगल तेरा जारी हर राम को, लंडन से भी ठोकू ना सलाम तेरी आर्ट को, बचकानी टोन में बने तू होना। जो जानते मेरी आर्ट को वो ठोकते सलाम वाली लाइन का रिप्लाई। अभी हार्ड कोर, तुझसे बेहतर कलाकार हूँ मैं, तुझसे ज्यादा समझदार हूँ मैं, तू वहाँ जाके चूतिया कटाना, ज्वाइन करूँ कलमकार क्यों मैं। मेरा साथ मांगने को बेटा पापा तेरे गए थे, मना डीएमएफ ने किया तो वो शायद चिढ़ गए थे। थोड़ी दिक्कत अंशुल भाई मुझे आपसे भी थी, पर भैन चोत तानी तो यार आप सही थे। मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। खरीद लेना प्रणाम अस्सलाम वालेकुम आजादू मैं मर्जी का मालिक हूँ। कान बंद करना बालिक तो बुद्धि से गाली भी शायरी में तू मैं वो गाली भी निकालू ना गाने में देता से लेबस लेबस से साइनों के इन्हें लगूं बेबस में सिक्कू में क्या ही करूं मेरे कारण देख के मानो मैं होने फेमस। But now I won't mind becoming the only insurance life. Simple, I will just keep on growing. Facts about this song that you all need to know. I even broke my own record of making a song. It honestly, it took me 10 hours to complete the audio and video of my own song. 10 ghante mein audio bhi isne banaya, video bhi isne banaya. Baap re yaar. I'm sick and having a bad throat and still managed to record these vocals and delivered everything. But the fun fact is this, that these are my complete raw vocals. Nothing is mixed. Baap re. It's not a fun. Baki mere praja ki jai ho, maharaj ki jai ho. Kya baat hai yaar. Kya baat hai. Bitch is a god. Yeah, expected tha. मैंने कल कहा था कि जो कृष्णा ने इतना गंदा गाना लिखा है मुंहफाड़ कर, गंदा मतलब कि गंदा ही ना, डिफरेंट वे हो, क्या बोलते हैं उसको यार, रोहन करियप्पा कुछ बोलते हैं इसको कि इसके मतलब का उल्टा मीनिंग कुछ होता है। हाँ, तो जो इन्होंने, मैंने कहा था कि कृष्णा अगर कुछ ऐसा गाना लिखेगा तो फिर उसका रिप्लाई तो मुंहफाड़ देंगे, वो तो नहीं छोड़ने वाले। खतरनाक रैपर है लेके कह के लेने वाला रैपर, उसने ले लिया यार। मतलब ये कहाँ से लग रहा है कि ये 10 घंटे में लिखा हुआ गाना है? तो मुझे खाली ये बताओ, चाहे इसकी बार हो, चाहे इसकी म्यूजिक हो, चाहे इसका ये वीडियो भी, ऑडियो का जो विजुअल था वो भी बहुत ही तगड़ा था यार। आई एम नॉट बैड मैन, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है ये सब चीजें करने में टाइम लगता है मेरे भाई। मैं रैप नहीं लिखता, उसमें तो और भी टाइम लगता होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और 10 घंटे में बीफ का रिप्लाई, रिस्पेक्ट। बीफ टू कृष्णा वर्सेस मुंहफाड़ की बीफ के राउंड 2 के विनर अभी तो मुझे लग रहा है मुंहफाड़। और टू बी फ्रैंक, मैं अपने अगर दिल की बात बोलूँ तो यार मुझे कृष्णा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर जो हिंदी रैप का इम्पैक्ट डाला था उसकी बात कुछ और थी। लेकिन मैं अभी भी ये, मुझे अब ऐसा लगता है कि यार जो इस गाने का हुक था वो कृष्णा के अनटाइटेड के हुक से ज़्यादा बेटर था। मुझे लगता है यार, बिच ऑफ अ गॉड, फकिंग गॉड, क्या बात है यार। और जो उसमें बीट थी वो फनकार की बीट थी, बहुत ही प्यारी सॉलिड सी बीट थी, गानों को बहुत ही सही लग रही थी। और उसके ऊपर मतलब मुंहफाड़ भाई साहब ने जो बीच बीच में एक दो पार्ट लिखे हैं, वो मैं लहसुन नहीं है जो सिलबट्टे पे रख के पीसूं वाला जो पार्ट था, और जो वो एंड में बोलता है कि लॉ लेट मी टेल देम व्हाई आई एम अ गॉड। और भैया मतलब उसके बाद तो जो भाई का फ्लो था यार, मतलब मुंहफाड़ बहुत ही तगड़ा। और मजे की बात पता क्या है, जो वो फास्ट रैप कर रहा था उसने म्यूजिक को पॉज कर दिया था, उस समय उसने म्यूजिक को रोक दिया। मतलब वो लिटरली ड्राई वोकल थे, बिल्कुल ही रॉ वोकल थे, बिल्कुल ही अनमिक्स्ड और अनमास्टर्ड वोकल थे। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। मतलब इसको कहते हैं टैलेंट की दुकान यार। मतलब मुंहफाड़ क्या आदमी हो यार तुम, क्या टैलेंट है तुम में। आप तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। कृष्णा देखिए, आप 2-2 महीने में गाने निकाल रहे हो मुझे पता है, लेकिन आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बीफ की प्रथा को निभाना तो अब आपको पड़ेगा, जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप फेमस हो कि आप छोड़ते नहीं हो किसी को। तो मुंहफाड़ भी इसीलिए फेमस है। मुंहफाड़ ने 10 घंटे में रिप्लाई करा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे होने क्या वाला है। तो आपकी तरफ से भी शॉट्स फायर की अब जो थोड़ी सी उम्मीद जो है वो जाग गई है सब में। सब देखना चाहते हैं कि अब कृष्णा क्या करेगा।
बट बाकी सारे बातें साइड, मतलब मुंहफाड़, रिस्पेक्ट 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 जितना, तुम तो अपने से भी नहीं सलाम ठोकने वाले कृष्णा को, लेकिन मैं उस गाने में कृष्णा को सलाम ठोका था क्योंकि वो गाना भाई एक नंबर था अनटाइटल्ड। और आज भाई तुम्हें तुम एक सल्यूट तो डिजर्व करते हो भोपू के साथ, भोपू एंड सल्यूट टुगेदर टुगेदर, क्योंकि भैया तुमने जो ये गाना बनाया है ना 10 घंटे में, ये नगीना है, ये लोगों को याद रहेगा 10 घंटे में। इतना बढ़िया डिस का रिप्लाई हिंदुस्तान में शायद नहीं आया आया है क्या? अगर आया तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो इस गाने का रिएक्शन वीडियो हो गया, लेकिन अब जरा एक मुद्दे की बात करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए है जो हमारे बडिंग रैपर्स हैं, जो मतलब कि जो पॉपुलर नहीं हुए हमारे लड़के लोग, लेकिन भाई लोग हसल करने में लगे हुए हैं, डेली ग्राइंड करते हैं, डेली अपने रैप लिखते हैं, डेली अपनी आर्ट को अपनी क्राफ्ट को पॉलिश करने में लगे रहते हैं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, पता ही क्या, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपना शाउट आउट दूं तो प्लीज अपना फ्री स्टाइल आप मेरे को भेजना शुरू कर दो। देखो मैंने इससे पहले भी कुछ दिन पहले, ये अगर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो मैंने कुछ दिन पहले भी अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक चीज लिखी थी, दैट इफ यू आर अ बडिंग रैपर अपना फ्री स्टाइल करके मेरे को भेजो, बिल्कुल भी वीडियो की क्वालिटी की चिंता ना करना। अगर आपकी बास में दम होगा, अगर आपके फ्री स्टाइल में दम होगा, तो मैं उसको अपने वीडियो में डालूंगा। तो अभी तक मेरे को कुछ मेरे 4-5 भाइयों ने बहुत ही सॉलिड काम भेजा, बहुत ही सॉलिड। नीब अगर तुम सुन रहे हो तो भाई तुमको मैं अपने अगले वीडियो में डालने वाला हूं, मेरा अलग कोई वीडियो बने ना बने इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन तुमको तो मैं जरूर फीचर करूंगा क्योंकि तुम डिजर्व करते हो यार, तुमको इतना वेट कराना मांगता नहीं है, ठीक है? तो अगले वीडियो में नीव प्रॉमिस यार कि मैं तुम्हारी क्लिप तो डालूंगा ही डालूंगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे मेरी दो रिक्वेस्ट है, लेकिन उसके वीडियो में अपनी तीसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट डाल दूंगा, तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरा एक घंटा मारकर लाल दो वेट कर दीजिए, और जो उसके बगल में नोटिफिकेशन वाली घंटी उसको भी टंटना दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, आप लाइक करते हो ना तो थोड़ी चौड़ बढ़ती है, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम भी ऐसी क्या काम नहीं कर रहे, हम भी यहाँ बैठ कर कुछ सॉलिड, क्योंकि यार तुम जानते हो मेहनत लगती है भाई, ऐसी एडिटिंग सब करने में मेहनत लगती है। और फिर लौंडे कहते हैं कि यार वीडियो आ गया तुमने रिएक्शन वीडियो इतनी देर में क्यों निकाला, अरे मेरे भैया इतनी आसानी नहीं होता, मैं कोई एक कैमरा रख के बस रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ कि मैंने रिकॉर्ड करा हुआ बिल्कुल कट कट करके पट्टे से डाल दिया, यार मेहनत लगती है थोड़ी, आपको भी चीजें दिखानी होती है, तो ये आपकी आंखों भी अच्छे लगे आपके कानों भी अच्छे लगे, तो मेहनत अकेले करता रहता हूँ इस वजह थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वीडियोज और जल्दी निकालूं, मेरे रिएक्शन वीडियो जैसे गाना है उसके 2-3 घंटे में फटाफट आ जाए, कोशिश यही रहेगी, बाकी अल्लाह मालिक ऊपर वाला मालिक भगवान मालिक मेरा। तो भाइयों बहनों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा, टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सत्संग संगीत से बचा कर रखिए, और #म्यूजिक को जाओ फॉलो करिए।